वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टेलीकॉम डॉट वन, आपका अपना चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सैमसंग J700F मोबाइल गूगल ID हार्ड रिसेट में कैसे रिमूव किया जाता है वो बता रहा हूँ। सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। अबाउट फोन हम इसलिए चेक कर रहे हैं, हमें इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, डिवाइस नेम, मॉडल नेम, लीगल इंफॉर्मेशन। चलिए अभी मॉडल नेम देख लिए हैं, चलिए बैक ले लेते हैं। अभी हम अकाउंट्स में जाते हैं। अकाउंट्स में जैसे ही क्लिक करेंगे आप, गूगल में क्लिक करिए, गूगल में जैसे ही क्लिक करेंगे मोर पर क्लिक करिएगा, मोर पर रिमूव अकाउंट बोलकर देगा आपको, जैसे कि स्क्रीन पर बता रहा है। रिमूव अकाउंट करिएगा, फिर एक बार आपको वेरीफाई पूछेगा रिमूव अकाउंट बोलकर, तो आप फिर से एक बार रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा। जीमेल अकाउंट हट चुका है यहाँ पर, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। मोबाइल का बैक ले लीजिए, फिर पावर ऑफ कर लीजिए अपना मोबाइल। सैमसंग के जितने भी मोबाइल होंगे वो सभी को यही मेथड यूज किया जाएगा, होम बटन, पावर ऑफ ऑन एंड वॉल्यूम अप। जैसे कि आप सभी देखते हैं स्क्रीन पर, हमारे एंड्रॉइड का लोगो आ चुका है। फिर हमें ऐसे ही लोगो देगा क्वेश्चन का, फिर हमें वॉल्यूम अप का बटन दबाना है, फिर सेलेक्ट करना है हमें वैप डाटा फैक्ट्री रीसेट, वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे लेना है। देखिए अभी आपको क्लियर नहीं बता रहा है, अभी मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अभी दिख रहा है आपको क्लियर, वॉल्यूम डाउन बटन से हमें नीचे ले लेना है, वैप डाटा फैक्ट्री रिसेट पर जाना है, फिर पावर ऑन ऑफ का बटन क्लिक करना है सेलेक्ट। यस पर क्लिक करना है, नीचे ले लीजिए, यस पर क्लिक करिए। फिर हमें वैप चाचा पर जाना है, पार्टीशन से सेलेक्ट करना है, फिर हमें रिबूट सिस्टम नाउ करना है। देखिए अभी मोबाइल ऑन हो रहा है। कुछ समय वेट करना है, हमारे मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो चुका है मोबाइल, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हार्ड रिसेट किया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।